हेलो स्टूडेंट्स, नेल्सन्स इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट गुजराती। विद्यार्थियों, आज काव्य 8 हूँ छू भाकी भाओ एनी टेक्स्ट बुक ने एक्सरसाइज ने एक्सप्लेन करी। प्रश्न एक छे, नीचेना प्रश्नों उत्तर आपो। एमा नंबर एक, बावा ने जमवा माटे शू शू जोईए छे? तेनो आंसर छे, बावो सादू भोजन करे छे, तेथी तेने जमवा माटे खिचड़ी अने आटो जोईए छे। बाळको, तमारे अहीं टेक्स्ट बुक में लखवानुं छे अने तमे फेर नोटबुक में पण लखी सको छो। हवे बीजुं छे, बा बावा ने सी आजीजी करे छे? तो बा बावा ने आजीजी करे छे के तमे चीपियो खखड़ाओ नहीं, हमणा घर में कोई नथी, मने बीवड़ाओ नहीं। त्रीजू छे, वेश हटावी बच्चू बाने शू कहे छे? बच्चू वेश हटावी डायो थईने आवे छे अने बाने कहे छे के बा हूँ आओ पण तारो ज दीकरो छू। हवे नंबर चार, बाओ मन मोजीलो बनीने शू करवानुं कहे छे? तो बाओ मन मोजीलो बनीने गिरधरनो जस गावानुं कहे छे। हवे नंबर पांच, बच्चू केवी रीते बाओ बन्यो? तो बच्चू जटा बनावी अने भभूत लगावीने बावो बन्यो। हवे प्रश्न बे, नीचे आपेल शब्दों माटे काव्यमां वपरायेला शब्दों शोधीने लखो। एमां नंबर एक छे क्षण, तो एनो जवाब छे पळ। पछी पकवान, तो मिठाई। नंबर त्रण, पोशाक। वेश। नंबर चार, सारू, तो अच्छा। नंबर चार, विनंती, तो आंसर आवशे आजीजी। नंबर छ, माता, तो मैया। हवे प्रश्न त्रण, सूचना मुजब करो। एमा नंबर एक छे, स त क न मूळाक्षर परथी शब्दों बनाओ। बाळक, अहींया जे तमने अक्षरो आपेला छे एना परथी तमारे शब्द बनावाना छे। तो आपणे शब्द बनावीए, पहेलुं छे स, तो स परथी कयो शब्द बनशे? तो सळगवो, सगड़ी, सरगवो, समळी, समारवुं। पछी त, तो त परथी तरवुं, तलावडी, तलवार, तमरुं, तगारुं। हवे छे क, तो क परथी शब्द बनशे करळवुं, कमळ, करतार, कड़ी। હવે ન, તો ન પરથી નાથવું, નગારું, નથણી, નજર, નાવડી, નળવું, નમન। હવે બીજું છે, તમે લખેલા શબ્દોમાંથી જે શબ્દોમાં મ મૂળાક્ષર આવતો હોય તેવા શબ્દો જુદા પાડો। હવે મ આવતો હોય એવા શબ્દો તમારે જુદા પાડવાના છે। તો પહેલું છે સમળી, સમારવું, તમરું, કમળ અને નયન। પછી ત્રીજું છે, જુદા પાડેલ શબ્દોમાંથી 5 શબ્દો પસંદ કરી તેના વાક્યો બનાવો। જે શબ્દો તમે બનાવ્યા છે એમાંથી તમારે 5 શબ્દોના વાક્ય બનાવવાના છે। તો પહેલા આપણે બનાવીશું, પહેલું છે સમળી, તો સમળી પરથી વાક્ય બનાવીએ। તો સમળી આકાશમાં ઉડે છે। બીજું સમારે, તો બા શાક સમારે છે। પછી ત્રીજું છે તમરું, તો તમરું બોલે છે। ચોથું કમળ, કમળ ખીલ્યું છે। પાંચમું નમન, હું વડીલોને નમન કરું છું। હવે પ્રશ્ન 4 છે, શબ્દને અંતે વો આવે તેવા શબ્દો કાવ્યમાંથી શોધીને લખો। જો અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે બાવો, અહીંયા જે છેલ્લે શું આવે છે વો, આવા જ શબ્દો તમારે કાવ્યમાંથી શોધીને લખવાના છે। પહેલું છે લહાવો, પછી બીજું ખાવો, ત્રીજું સરપાવો, ચોથું લાવો, પાંચમું ગાવો, છઠ્ઠું માવો, સાતમું ખખડાવો, આઠમું બીવડાવો। આપણે જેટલા શબ્દ અહીંયા મેં જે બોલ્યા એ બધાના અંતે શું આવે છે? વો આવે છે। આવા જ શબ્દો તમારે લખવાના છે।
हवे प्रश्न पांच, नीचे आपेल शब्दों उपयोग करी वाक्य बनाओ। अहीं उदाहरण तरीके आपेलू छे बावो, तेनो वाक्य छे हूँ छू खाकी बावो। एमां नंबर एक छे भभूत, तो आपणे भभूत परथी वाक्य बनावीए, बावो भभूत लगावे छे। पछी बीजू छे रसोई, तो एनो वाक्य बनशे एवी रसोई मने न हपे। पछी त्रीजू छे खीचड़ी, तो मने खीचड़ी बहु भावे छे। पछी चौथू छे सरपाव, तो मने कोई सरपाव नथी जोईतो। प्रश्न छ छे, काव्यना आधारे नीचेना वाक्यो योग्य क्रम में लखो। अहीं तमने आड़ावड़ा क्रम में वाक्यो आपेला छे अने अहीं तमारे एने क्रम में लखवाना छे। तो पहलू आवशे बा बैठी थी रसोई करवा, पछी बीजू छे जटा बनावी भभूत लगावी, त्रीजू बच्चू बन्यो त्यां बावो, चौथू बा बोली आजीजी करती, पछी पांचमू छे चीपियो ना खखड़ाओ, छठू मुजने ना बीवड़ाओ। हवे प्रश्न सात छे, अधूरी काव्य पंक्ति पूर्ण करो। एमां रसोई एवी कसी खपेना नहीं मिठाई मावो, वैरागी ने भोजन साधु खिचड़ी आटो खावो। पैसा कपड़ा कई ना जोइए, ना जोइए सर पावो, मन मोजीला बनी हमारे गिरधरनो जस गावो। अहीं तमारे आ पंक्ति लखवानी छे। हवे प्रश्न आठ छे, नीचे आपेल शब्दों शब्दकोशना क्रम में गोठवो। अहीं तमने शब्दों आपेला छे एने तमारे अहीं शब्दकोशना क्रम में गोठवाना छे। तो एमां पहेलू आवशे कपड़ू, पछी बीजू आवशे निरंजन, त्रीजू आवशे भभूत, पछी चौथू आवशे रसोई, पछी वैरागी अने छेल्ले आवशे सरपाव। बाळको आ बधा आंसर तमारे तमारी टेक्स्टबुक में लखवाना छे। थैंक यू।